Hello everyone, my name is Yamini Tukral and I welcome you to Adda 24/7 School. तो बच्चों excretory products in elimination के अंदर हमने last lecture के अंदर देखा था कि what is the human excretory system, how it is composed of and सबका structure और थोड़े बहुत हमने functions देखे थे. तो इस lecture के अंदर हम लोग दूसरे sub topic के start कर रहे हैं जो कि है हमारा urine formation and the function of the tubules. तो urine कैसे form होती है और tubules जो कि PCT, DCT और loop of Henle हम लोगों ने देखा था उनके फंक्शंस क्या होते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सो द यूरिन फॉर्मेशन इट इन्वॉल्व्स थ्री मेन प्रोसेसेस, नेमली द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, रीअब्सॉर्प्शन एंड सिक्रीशन. तो हमने देखा था कि नेफ्रॉन के हमारे दो स्ट्रक्चर्स थे, है ना. नेफ्रॉन के हमारे दो स्ट्रक्चर थे, क्या था, एक तो ग्लोमेरुलर कैप्सूल एंड रेनल टिब्यूल. ये दो इसके पार्ट्स थे. और जब हमने किडनी का स्ट्रक्चर देखा था, हमने देखा था कि रेनल आर्टरी अंदर जा रही थी और रेनल वेन बाहर आ रही थी और उसी में से हमारा जो है कलेक्टिंग डक्ट निकल रहा था. तो जब हमने किडनी का ऐसा कुछ स्ट्रक्चर देखा तो हमने देखा कि यहां से रेनल आर्टरी जा रही है, यहां से रेनल वेन आ रही है और यहां से ये जा रहा है कलेक्टिंग डक्ट, है ना, ये कलेक्टिंग डक्ट जा रहा है. तो यहां से जब हमारा ब्लड एंटर हो रहा था, यहां से जब हमारा एंटर हुआ ब्लड, वो डिफरेंट डिफरेंट आर्टरीज और आर्टेरियोल्स के अंदर से गया, ठीक है, आर्टरी और आर्टेरियोल्स के अंदर से गया और वहां से जब ब्लड निकला वो यहां से रेनल वेन से बाहर आ गया और कलेक्टिंग डक्ट में चला गया. तो ये कलेक्टिंग डक्ट हमारा किधर जा रहा था, नेफ्रॉन्स, नेफ्रॉन से आ रहा था ना. जो ये हमारे आर्टरी और आर्टेरियोल्स है वो अल्टीमेटली अंदर किस में जा रहे थे, नेफ्रॉन्स में जा रहे थे. और नेफ्रॉन्स से जो हमारा ब्लड निकल रहा था वो हमारा कहाँ जा रहा था, कलेक्टिंग डक्ट में जा रहा था. तो ये था हमारा किडनी का स्ट्रक्चर. तो नेफ्रॉन हमारे दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, ग्लोमेरुलर कैप्सूल एंड द रेनल टिब्यूल. ये हमारे दो पार्ट्स होते हैं. सो द फर्स्ट स्टेप जो होता है हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, इट इज कैरिड आउट इन द बोमेंस कैप्सूल इटसेल्फ. ये हमारा बोमेंस कैप्सूल के अंदर ही होता है. सो द फर्स्ट स्टेप इन द यूरिन फॉर्मेशन इज द फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड विच इज कैरिड आउट बाय ग्लोमेरुलस एंड इज कॉल्ड द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. तो जो फर्स्ट स्टेप होता है, जैसे कि इसका नाम बता रहा है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, है ना. ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की जब हम लोग बात करें, ये फर्स्ट स्टेप होता है, इसके अंदर ग्लोमेरुलस से जो हमारा ब्लड है वो पास होता है. तो ग्लोमेरुलस का जब हमने स्ट्रक्चर देखा था, ग्लोमेरुलस का जब हम लोग स्ट्रक्चर याद करें, तो जब हमने ग्लोमेरुलस का स्ट्रक्चर, ये हमारा बोमेंस कैप्सूल हो गया, इसके अंदर हमारे यहाँ से एफरेंट आर्टेरियोल, इधर से इफरेंट आर्टेरियोल. जो एफरेंट आर्टेरियोल है वो हमेशा थोड़ी सी ब्रॉड होती है, उसका ब्रॉड होता है माउथ. और ये वाली जो हमारी इफरेंट आर्टेरियोल है ये क्या होती है, ये थोड़ी नैरो होती है, ये थोड़ी नैरो होती है. तो एफरेंट से जब हमारा ब्लड अंदर आता है, जब आर्टरी और आर्टेरियोल से अंदर आ रहा होता है एफरेंट आर्टेरियोल से, तो वो अंदर ग्लोमेरुलस से पास ऑन करता है और इफरेंट आर्टेरियोल से बाहर जाता है, है ना, यही कुछ होता है. तो इस टाइम पे जब वो ग्लोमेरुलस के अंदर होता है, दैट प्रोसेस इट इज नोन एज द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. उस प्रोसेस को ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन देते हैं, बोलते हैं, जब एफरेंट आर्टेरियोल से ब्लड जो है बोमेंस कैप्सूल के अंदर आता है और ग्लोमेरुलस के अंदर जो है फिल्टर आउट हो रहा होता है और उसके बाद में इफरेंट आर्टेरियोल से बाहर निकल जाता है, ठीक है. तो फर्स्ट स्टेप हमारा ये हो गया. सो ऑन एन एवरेज 1100 टू 1200 ml ऑफ ब्लड इट इज फिल्टर्ड बाय द किडनीज पर मिनट. कितना हमारा ब्लड जो है किडनीज फिल्टर करती है पर मिनट, 1100 टू 1200, ठीक है. सो विच कॉन्स्टिट्यूट रफली 1/5 ऑफ द ब्लड पम्प्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट बाय द वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट इन अ मिनट. सो द ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर इट कॉजेज द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड थ्रू थ्री लेयर्स. अब जो हमारी ग्लोमेरुलस है उसकी तीन लेयर्स होती हैं, एंडोथीलियम ऑफ द ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल, द एपिथीलियम ऑफ द बोमेंस कैप्सूल और द बेसमेंट मेम्ब्रेन बिटवीन दीज टू लेयर्स. सबसे पहले हमारी एंडोथीलियम आती है किसकी, ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स की. कौन सी हमारी ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स, एफरेंट प्लस इफरेंट आर्टेरियोल, ये हमारी क्या है, ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स है.
ठीक है. सो एपिथीलियम ऑफ द बोमेंस कैप्सूल, बोमेंस कैप्सूल का एपिथीलियम और जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी इन दोनों के बीच में, उसमें से तो तीन लेयर से जो है हमारा ब्लड फिल्टर आउट होता है और जो बहुत ही माइन्यूट पार्टिकल्स है जो आगे पास ऑन होते हैं. सो द एपिथीलियल सेल्स ऑफ द बोमेंस कैप्सूल दे आर कॉल्ड द पोडोसाइट्स, क्योंकि उनके अंदर पोर्स होते हैं विच आर अरेंज इन द इंट्रिकेट मैनर सो एज टू लीव सम माइन्यूट स्पेसेस कॉल्ड द फिल्ट्रेशन स्लिट्स और द पोर्स. जैसे हम लोग जब छन्नी से छानते हैं, छन्नी से हम लोग घर में छानते हैं तो उसमें कुछ पोर्स होते हैं, वैसे ही एपिथीलियल सेल्स जो होते हैं बोमेंस कैप्सूल के उसके अंदर भी कुछ पोर्स होते हैं और उन सेल्स को बोलते हैं पोडोसाइट्स एंड दे लीव सम माइन्यूट स्पेसेस नोन एज द फिल्ट्रेशन स्लिट्स और दी स्लिट पोर्स. जो वो स्लिट छोड़ते हैं, जो वो पोर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन पोर्ट. तो द ब्लड इज फिल्टर्ड सो फाइनली थ्रू दीज मेम्ब्रेन्स दैट ऑलमोस्ट ऑल द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द प्लाज्मा एक्सेप्ट द प्रोटीन्स दे पास इनटू द ल्यूमन. तो मतलब प्लाज्मा के जितने भी प्रोटीन्स, जितना भी कंटेंट है उसके अलावा जो भी है, एक्सेप्ट द प्रोटीन्स दे पास इन टू द ल्यूमन ऑफ द वूमेन्स कैप्सूल एंड दिस इज द प्रोसेस ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को क्या हम लोग ये भी बोल सकते हैं, एक्सट्रीम फिल्ट्रेशन, क्योंकि एक तो नॉर्मल फिल्ट्रेशन हुआ है ना, एक तो नॉर्मल फिल्ट्रेशन हुआ, उसके बाद में जो इतना ज़्यादा फाइन हुआ है कि जो ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट्स है प्लाज्मा के अंदर, जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो सारे के सारे ल्यूमन में आ जाते हैं एक्सेप्ट फॉर द प्रोटीन. जो प्लाज्मा के जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो सारे के सारे प्लाज्मा आ जाते हैं एक्सेप्ट फॉर प्रोटीन. मतलब कितना ज़्यादा माइन्यूटली डिटेल्ड के साथ जो है फिल्ट्रेशन हो रहा है ना, माइन्यूट डिटेल के साथ फिल्ट्रेशन हो रहा है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. इसे क्या बोलते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. तो बोमेंस कैप्सूल में कौन सा रिटेन होता है, सिर्फ प्रोटीन्स रिटेन होते हैं, बाकी सारा का सारा जो है ल्यूमन में चला जाता है. सो द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड बाय द किडनीज पर मिनट इट इज नोन एज द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट. तो इस ग्लोमेरुलस से जब फिल्ट्रेशन हुई तो द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट पर मिनट जनरेटेड बाय दिस ग्लोमेरुलस इट इज नोन एज द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट विच इज द GFR. So, GFR क्या होता है, इट इज अप्रोक्सीमेटली 125 ml पर मिनट. तो 180 लीटर्स पर डे जो है हमारा GFR आता है, 125 ml पर मिनट निकल रहा है. GFR क्या होता है हमारा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट. उसके अंदर क्या होता है, जो हमारे ग्लोमेरुलस है वो कितना फिल्ट्रेट जो है पर मिनट निकाल रही है उसको कैलकुलेट करते हैं बाय दी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट. उसे को क्या बोलते हैं हम लोग, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट. और वो कितना होता है, 125 ml पर मिनट, दैट इज 180 लीटर्स पर डे. So the kidneys, they have a built-in mechanism for the regulation of the glomerular filtration rate. The efficient mechanism, it is carried out by juxtaglomerular apparatus, JGA. So, जो हमारा glomerular filtration rate है, उसके regulation के लिए भी kidney के अंदर कुछ inbuilt अपने mechanisms हैं. वो क्या होते हैं हमारे, वो क्या होते हैं, which are carried out by the juxtaglomerular apparatus, which is the JGA. So, JGA is a special sensitive region formed by the cellular modification in the DCT and the afferent arteriole at the location of their contact. A fall in GFR, it can activate the JG cells to release the renin. Renin release karega jo ki glomerular blood flow ko increase karta hai and jo GFR hai wo back to normal aa jata hai. To jaise hi hamara GFR kam hota hai, glomerular filtration kam rate kam hota hai, तो ये क्या करता है हमारे जेजी जक्स्टाग्लोमेरुलर को सेल्स को एक्टिवेट कर देता है. वो क्या करते हैं, वो रेनिन सिक्रीट करते हैं. रेनिन सिक्रीट करने के बाद क्या होता है, दे रेगुलेट द ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो. दे रेगुलेट द ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो, फ्लड फ्लो नहीं ब्लड फ्लो. और उससे क्या होता है, हमारा GFR जो है नॉर्मल हो जाता है, उससे हमारा GFR नॉर्मल हो जाता है. तो ये प्रोसेस रहता है इसका इनबिल्ट मैकेनिज्म. तो हमारा JGA कहाँ कहाँ पे होता है, DCT डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल एंड दी एफरेंट आर्टेरियल विच इज एंटर्ड इनटू ग्लोमेरुलस. ठीक है. So nearly 99% of the filtrate has to be reabsorbed by the renal tubules and this process it is known as the reabsorption. So हमने पढ़ लिया कि फिल्ट्रेशन क्या होता है, अब हमारा आता है ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन एंड सिक्रीशन, है ना, ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन एंड सिक्रीशन. सो द ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स इन डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ द नेफ्रॉन कौन कौन से होते हैं, DCT,
पीसीटी एंड लूप ऑफ हेनले. लूप ऑफ हेनले का पहले है हमारा डिसेंडिंग लूप, देन है हमारा असेंडिंग लूप. ठीक है, पहले डिसेंडिंग देन असेंडिंग लूप. सो द ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स इन डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ द नेफ्रॉन दे परफॉर्म दिस आइदर बाय एक्टिव और द पैसिव मैकेनिज्म. फॉर एग्जांपल जो ग्लूकोज अमाइनो एसिड्स एनए प्लस एक्सेट्रा इन द फिल्ट्रेट दे आर रीअब्सॉर्ब्ड एक्टिवली. मतलब दे रिक्वायर सम कैरियर तभी वो रीअब्सॉर्ब हुए हैं. वेयर एज द नाइट्रोजनस वेस्ट दे आर एब्सॉर्ब्ड बाय द पैसिव ट्रांसपोर्ट. नाइट्रोजनस वेस्ट क्या है हमारे अंदर? यूरिया. It is reabsorbed by the passive transport. So the reabsorption of water, it also occurs passively in the initial segments of the nephron, that is PCT के अंदर जो है water का reabsorption होता है which occurs passively. So during the urine formation, the tubular cells they secrete substances like H plus, K plus and ammonia into the filtrate. अब मैं इस डायग्राम से आपको समझाती हूँ. ये हमारा एफरेंट है. एफरेंट आर्टेरियोल के हमेशा जो है ब्रॉडर होगा और ये हमारा ईफरेंट हो गया. ठीक है, यहां से हमारा ब्लड एंटर हुआ, ग्लोमेरुलस के अंदर घूमा, वहां से फिल्टर आउट हुआ, प्लाज्मा के जितने भी कंटेंट्स थे वो आगे चले गए और सिर्फ प्रोटीन प्रोटीन जो है बाहर निकल गया. यहां से जब आए हम लोग, ये हमारा पीसीटी, ये डिसेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले, ये असेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले और ये डीसीटी. PCT is proximal convoluted tubule and DCT is distal convoluted tubule. तो आप देख सकते हो कि PCT से क्या reabsorb हो रहा है? हमारा water reabsorb हो रहा है, nutrients K plus, Na plus भी निकलता है, Cl minus भी निकलता है. तो ये सारे के सारे जो है हमारे PCT से reabsorb हो रहे हैं. फिर जो हमारा descending limb of loop of Henle है, it is only permeable to water. ये क्या होता है? It is only permeable to वॉटर. अब ये वॉटर से परमिएबल है तो वॉटर ही इसमें से रीअब्सॉर्ब होगा. तो इससे क्या होगा? हमारा यहां नीचे जाते हुए यूरिन बिकम्स कॉन्सेंट्रेटेड. इसमें क्या होगा? यूरिन जो है इट बिकम्स कॉन्सेंट्रेटेड. और जब ये यहां से ऊपर आ रही है यूरिन, जब यहां से ऊपर आ रहा है, जब यहां से ऊपर आ रहा है तो इसमें क्या है? हमारा जो असेंडिंग लिंप है दैट इज नॉट परमिएबल टू वाटर बट टू द सॉल्ट्स. तो यहां से Na प्लस Cl माइनस निकल रहा है, यूरिया निकल रहा है, तो इसमें क्या होगा? डाइल्यूट हो रही है. तो असेंडिंग लिंप के अंदर यूरिन बिकम्स डाइल्यूटेड. यूरिन बिकम्स डाइल्यूटेड. फिर उसके बाद में जब ये डीसीटी से पास ऑन हुआ तो डीसीटी भी हमारा क्या है? सोल्यूट से परमिएबल होता है. तो इसमें से सोल्यूट्स ही रीअब्सॉर्ब हो रहे हैं. फिर जब कलेक्टिंग डक्ट के अंदर आता है तो इसमें से सारा वाटर जो है रीअब्सॉर्ब हो जाता है. तो कॉन्सेंट्रेटेड क्या हो जाती है? हमारी यूरिन हो जाती है. तो अल्टीमेटली हमें कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन मिलती है. क्या मिलती है? कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन. तो आप देख सकते हो कि अल्टीमेट गोल जो होता है हमारा होता है कलेक्टिंग डक्ट का, कि यूरिन को हमने कॉन्सेंट्रेट करना है. अल्टीमेट गोल जो होता है कलेक्टिंग डक्ट का वो यही होता है कि यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करना है. तो जो हमारा पीसीटी है, पीसीटी इज परमिएबल टू द सॉल्ट्स. ठीक है, मतलब इसमें से क्या क्या रीअब्सॉर्ब हो रहा है हमारा? इसमें से हमारा क्या क्या रीअब्सॉर्ब हो रहा है? Na प्लस, Cl माइनस, यूरिया, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, ये सब सब इसमें से रीअब्सॉर्ब हो रहा है. फिर उसके बाद में हमारा क्या आया? डिसेंडिंग लिंब. डिसेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले. पहले तो मैं यहां पर ये पार्टीशन कर देती हूं. ये है हमारा कॉर्टेक्स और ये है हमारा मेड्यूला. ठीक है, ये हमारा कॉर्टेक्स है, ये मेड्यूला. तो मेड्यूला के अंदर जब हमारा डिसेंडिंग लिंब आया, डिसेंडिंग लिंब इज परमिएबल टू वाटर. अब इसमें से वाटर निकल गया तो क्या होगा? हमारी यूरिन कंसंट्रेटेड हो गई. फिर उसके बाद में फिर असेंडिंग लिंब आई. असेंडिंग लिंब इज परमिएबल टू सॉल्ट्स. फिर हमारा यूरिन क्या हुआ? डाइल्यूट हो गया. फिर उसके बाद में जब कलेक्टिंग डक्ट के अंदर गए तो दैट इज ऑल्सो परमिएबल टू वॉटर. कलेक्टिंग डक्ट. तो हमारी यूरिन अल्टीमेटली क्या हुई? इट बिकम्स कंसेंट्रेटेड. व्हाट इट बिकम्स? कंसेंट्रेटेड. तो ये जो है ये हमारा मेन मैकेनिज्म होता है यूरिन फॉर्मेशन का. ये हमारा ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन का होता है. ये हमारा ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन का होता है. इसके बाद में हमारा
थर्ड स्टेप आता है ट्यूबुलर सेक्रीशन. तो हमारा पहला था फिल्ट्रेशन. फिल्ट्रेशन में हमने देख लिया जीएफआर क्या होता है और कैसे हमारे फिल्टर आउट होते हैं. सेकंड है हमारा रीअब्सॉर्प्शन. हम देख रहे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स के अंदर क्या क्या हमारा रीअब्सॉर्ब होता है, जिससे कि हमें क्या मिल जाता है. अल्टीमेट गोल हमारा होता है कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन का. क्या होता है? कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन का, है ना. तो कॉन्सेंट्रेटेड कलेक्टिंग डक्ट के अंदर आते आते हो जाती है इस प्रोसीजर को चलते हुए. तो ट्यूबुलर सिक्रीशन क्या होता है? इट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट स्टेप इन यूरिन फॉर्मेशन एज इट हेल्प्स इन द मेंटेनेंस ऑफ आयनिक एंड द एसिड बेस बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड. ठीक है, तो इसके बाद हमारे आते हैं फंक्शंस ऑफ द ट्यूब्यूल्स. फंक्शंस क्या क्या होते हैं? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पीसीटी, इट इज लाइंड बाय सिंपल क्यूबॉइडल सेल्स, ब्रश बॉर्डर्ड एपिथीलियम दैट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर रीअब्सॉर्प्शन. पीसीटी किसका रीअब्सॉर्प्शन करता है? सॉल्ट्स का करता है. किसका करता है? सॉल्ट्स का करता है. सो नियरली all of the essential nutrients and 70-80% of the electrolytes and water, they are reabsorbed by this segment. So PCT it all helps to maintain the pH and ionic balance. So basically PCT kya karta hai? It helps in maintaining the pH and the ionic balance of the body fluid by the selective secretion of the hydrogen ions. हाइड्रोजन आयंस की सेलेक्टिव सेक्रीशन करता है, अमोनिया की करता है, पोटेशियम आयंस की करता है इनटू द फिल्ट्रेट. तो जो हमारा फिल्ट्रेट किससे आया? जो हमारा फिल्ट्रेट आया कलेक्टिंग डक्ट से. किससे आया हमारा फिल्ट्रेट? कलेक्टिंग डक्ट से. उसमें क्या करेगा? इट मेंटेन्स द पीएच एंड द आयनिक बैलेंस. और इसके अंदर क्या सिक्रीट करता है? हाइड्रोजन आयंस, अमोनिया एंड पोटेशियम आयंस बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ HCO3- फ्रॉम इट. उससे HCO3- एब्जॉर्ब करता है और उसके अंदर वाटर, अमोनिया और पोटेशियम आयंस को सिक्रीट कर देता है. इससे इसका पीएच एंड द आयनिक बैलेंस इट इज मेंटेन्ड. Loop of Henle, the reabsorption it is minimum in this ascending limb. However, this region plays a significant role in the maintenance of the high osmolarity. जो हमारा descending limb है वो हमारी high osmolarity, जो हमारी ascending limb है वो high osmolarity maintain करने में help करता है of the medullary interstitial fluid. So जो descending limb है it is permeable to water but almost impermeable to the electrolytes and वो filtrate को concentrate कर देता है. Ascending limb जो होता है हमारा impermeable होता है water का but it allows the transfer of the electrolytes actively or passively. So therefore, as the concentrated filtrate passes upward, it gets diluted due to the passage of the electrolytes to the medullary fluid. क्योंकि जो हमारी ascending limb होती है, that is permeable to electrolytes, है ना, मतलब water and electrolytes. तो उससे क्या होता है? हमारे जो urine है, हमारी जो urine है, it becomes diluted. और जब concentrated filtrate हमारा किससे आता है? Descending limb से. देन हमारा आया डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, जिसको कि हम लोग DCT बोलते हैं. सो इट हैज कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन ऑफ Na+ एंड वाटर. एंड DCT इज ऑल्सो केपेबल ऑफ रीअब्सॉर्प्शन ऑफ द HCO3- सेलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन एंड पोटेशियम NH3 टू मेंटेन द pH एंड पोटेशियम सोडियम बैलेंस इन द ब्लड. ठीक है, अब हमारा जो PCT है ना बच्चों, उसके अंदर क्या होता है? हमारा सोडियम पोटेशियम पंप भी होते हैं, सोडियम पोटेशियम पंप भी होते हैं. उससे भी जो है हमारा आयनिक बैलेंस मेंटेन रहता है. कलेक्टिंग डक्ट, दिस लॉन्ग डक्ट इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी. ये किडनी के कॉर्टेक्स से एक्सटेंड करता है टू द इनर पार्ट्स ऑफ द मेड्यूला, मेड्यूला के इनर पार्ट्स तक. सो द लार्ज अमाउंट्स ऑफ वाटर कुड बी रीअब्सॉर्ब्ड फ्रॉम दिस रीजन टू प्रोड्यूस कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन. जैसे कि मैंने बोला इट रीअब्सॉर्ब्स वाटर. तो इससे क्या होता है? द यूरिन बिकम्स कॉन्सेंट्रेटेड. सो दिस सेगमेंट इट अलाउज पैसेज ऑफ स्मॉल अमाउंट्स ऑफ यूरिया इनटू द मेडुलरी इंटरस्टिशियम टू कीप अप द ऑस्मोलैरिटी. तो ये क्या करता है? कुछ अमाउंट ऑफ यूरिया जो है मेडुलरी इंटरस्टिशियम के अंदर डाल देता है, जिससे कि ऑस्मोलैरिटी मेंटेन रहे. इट ऑल्सो प्लेज अ रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ द पीएच एंड आयनिक बैलेंस ऑफ द ब्लड बाय द सेलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन एंड द पोटेशियम आयंस.
तो एक बारी हम लोग देख लेते हैं कि हमने आज के लेक्चर में यूरिन फॉर्मेशन के अंदर क्या क्या देखा है. सो यूरिन फॉर्मेशन के अंदर हमारे 3 बेसिक स्टेप्स होते हैं, फिल्ट्रेशन, रीअब्सॉर्प्शन एंड सिक्रीशन. फिल्ट्रेशन हमारा किसके अंदर होता है, ग्लोमेरुलर कैप्सूल के अंदर होता है, जिसके अंदर एफरेंट आर्टेरियोल से ब्लड आता है, वो ग्लोमेरुलस के अंदर घूमता है, फिल्टर आउट होता है, सारे के सारे कंटेंट जो है प्लाज्मा के वो फिल्टर आउट हो जाते हैं और सिर्फ प्रोटीन्स रिटेन हो जाते हैं और बाकी सब जो है एफरेंट आर्टेरियोल से बाहर निकल जाता है, एंड दिस इज नोन एज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. ठीक है, सो 1100 to 1200 ml ऑफ ब्लड इट इज फिल्टर्ड बाय द किडनीज पर मिनट. ठीक है, तो ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर जो है वो फिल्ट्रेशन करता है थ्रू 3 layers. फर्स्ट लेयर होती है एंडोथीलियम ऑफ द ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स, सेकेंड लेयर होती है एपिथीलियम ऑफ द बोमेंस कैप्सूल, एंड थर्ड होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन बिटवीन दीज 2 layers. सो द एपिथीलियल सेल्स ऑफ द बोमन कैप्सूल, दे हैव द पोडोसाइट्स जिसके अंदर पोर्स होते हैं विच आर नोन एज द फिल्ट्रेशन स्लिट्स और द स्लिट पोर्स. और ब्लड जो है इनसे इतना फाइनली हमारा क्या बोल सकते हैं फिल्टर होता है कि उसमें से सारे जो है प्लाज्मा के कॉन्स्टिट्यूएंट्स, सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है पास ऑन हो जाते हैं इनटू द ल्यूमन और सिर्फ प्रोटीन्स ही है जो रह जाते हैं. दिस प्रोसेस इज नोन एज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. So the amount of filtrate it is formed by the kidneys per minute, it is known as the glomerular filtration rate, which is 125 ml per minute, 180 liters per day. So उनके लिए वो glomerular filtration rate को regulate करने के लिए kidneys के अंदर inbuilt mechanism होता है जो कि carry forward होता है by the juxtaglomerular apparatus. It is a sensitive region which is formed by the cellular modification in the DCT, distal convoluted tubule and the afferent arteriole. तो जैसे ही GFR कम होता है ये JG cells activate होकर release करते हैं renin, जो कि glomerular blood flow को बढ़ाता है और उससे GFR normal आ जाता है. नेक्स्ट हमारा स्टेप आता है सिक्रीशन के बाद रीअब्सॉर्प्शन का. रीअब्सॉर्प्शन की जब हम लोग बात करें तो ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स जो है डिफरेंट रीजन्स के अंदर वो इसको परफॉर्म करते हैं बाय आइदर एक्टिव और पैसिव मैकेनिज्म्स. ठीक है, तो ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, एन ए प्लस जो है वो एक्टिवली होते हैं रीअब्सॉर्ब, और यूरिया जैसे जो है वो पैसिवली होते हैं. सो जब हमने ये पूरा का पूरा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखा तो हमने देखा कि जो हमारा पीसीटी है इट रीअब्सॉर्ब्स आयंस एंड द वाटर. उसके बाद में जब डिसेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले होता है दैट इज ओनली परमिएबल टू वाटर, सिर्फ वाटर ही रीअब्सॉर्ब होता है, तो उससे हमारी यूरिन जो है कंसंट्रेटेड हो जाती है. पर जब वो असेंडिंग लिंब में आता है तो असेंडिंग लिंब इट इज परमिएबल टू द आयंस, एन ए प्लस, सी एल माइनस आयन सारे निकल जाते हैं, तो उससे क्या होता है हमारी यूरिन जो है डायल्यूट हो जाती है. वहां से वो जाती है डीसीटी, इट इज परमिएबल टू बोथ वाटर एंड द इलेक्ट्रोलाइट्स, एंड उसके बाद में कहां जाता है कलेक्टिंग डक्ट में विच इज परमिएबल टू ओनली वाटर. तो वाटर ही उससे रीअब्सॉर्ब होता है, तो हमारी अल्टीमेटली कंसंट्रेटेड यूरिन बन जाती है. तो फंक्शन ऑफ द ट्यूब्यूल्स में जब हम लोग देखते हैं तो हमारा जो पीसीटी है इट हैज ब्रश बॉर्डर्ड एपिथीलियम जो कि रीअब्सॉर्प्शन का सरफेस एरिया बढ़ाता है. सो इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द पीएच एंड द आयनिक बैलेंस बाय दी बॉडी फ्लूइड्स बाय सेलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ द हाइड्रोजन, अमोनिया एंड पोटेशियम आयंस इन टू द फिल्ट्रेट और एब्जॉर्प्शन ऑफ HCO3-. फिर हेनलेज लूप का जैसे मैंने आपको बताया, सो द डिसेंडिंग लिंब इट इज परमिएबल टू वाटर, पर जो है हमारा रीअब्सॉर्प्शन इट इज मिनिमम इन दिस रीजन. सो असेंडिंग लिंब इट इज इम्परमिएबल टू वाटर बट अलाउज ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एक्टिवली और पैसिवली. सो फिल्ट्रेट पासेस अपवर्ड, इट गेट्स डाइल्यूटेड. देन हमारा आता है डीसीटी विच इज द डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल. कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन ऑफ द सोडियम एंड द वाटर इट टेक्स प्लेस इन दिस सेगमेंट, और इसमें क्या होता है इट ऑल्सो सिक्रीट्स हाइड्रोजन एंड पोटेशियम एंड अमोनिया टू मेंटेन द पीएच एंड द सोडियम पोटेशियम बैलेंस इन द ब्लड. कलेक्टिंग डक क्या होता है, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द कॉर्टेक्स टू द इनर पार्ट्स ऑफ द मेड्यूला, तो बहुत सारा वाटर जो है इसमें से रीअब्सॉर्ब हो जाता है. स्मॉल अमाउंट्स ऑफ यूरिया जो है ये मेडुलरी इंटरस्टिशियम के अंदर सिक्रीट कर देता है जिससे कि पीएच और आयनिक बैलेंस हमारा बना रहे. तो ये था हमारा यूरिन फॉर्मेशन एंड द फंक्शंस ऑफ वेरियस सेगमेंट्स ऑफ द किडनी. अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स यूरिन फॉर्मेशन, ए ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, बी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सी सिक्रीशन, या फिर डी रीअब्सॉर्प्शन. तो जब हम लोग यूरिन फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं तो हमने 3 steps देखे थे, फिल्ट्रेशन,
रीअब्सॉर्प्शन एंड सिक्रीशन, ये तीन स्टेप हमने देखे थे जब हम लोग बात करते हैं यूरिन फॉर्मेशन की. तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. ऑप्शन ए करेक्ट है, ऑप्शन ए करेक्ट है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. इसके अंदर क्या होता है, ब्लड इट कम्स इन थ्रू द एफरेंट आर्टेरियोल, ग्लोमेरुलस से फिल्टर होता है और इफरेंट आर्टेरियोल से बाहर हो जाता है. इसी के अंदर हमारा एक फाइन जो है फिल्ट्रेशन होता है जिसको हम लोग अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलते हैं. ठीक है, तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है, हमारा फर्स्ट स्टेप होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, ए ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, बी रीअब्सॉर्प्शन, सी सिक्रीशन या फिर डी एक्सक्रीशन. तो कौन से हमारे जो तीन स्टेप्स है वो यूरिन फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं, फिल्ट्रेशन, रीअब्सॉर्प्शन एंड सिक्रीशन. तो इनके अलावा जो भी एक्स्ट्रा दिख रहा है इट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर यूरिन फॉर्मेशन, दैट इज ऑप्शन डी एक्सक्रीशन. एक्सक्रीशन इसके अंदर नहीं आता, एक्सक्रीशन इसके अंदर नहीं आता. यूरिन फॉर्मेशन के जब हम लोगों ने स्टेप्स देखे तो उसके अंदर हमारा एक्सक्रीशन का स्टेप नहीं आता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन एवरेज हाउ मच वॉल्यूम ऑफ द ब्लड इट इज फिल्टर्ड बाय द किडनीज पर मिनट. तो जब हमने किडनीज की बात करी तो कितना जो ब्लड है इट इज फिल्टर्ड बाय द किडनीज पर मिनट, 100 to 150 ml, 500 ml, 1100 to 1200 ml या फिर 5000 ml. कितना ml ब्लड जो है इट इज फिल्टर आउट बाय द किडनीज पर मिनट, कितना ml ऑफ ब्लड. ऑप्शन सी 1100 to 1200 ml ऑफ ब्लड, 1100 to 1200 ml ऑफ ब्लड जो है किडनी पर मिनट फिल्टर आउट करती है, पर मिनट फिल्टर आउट करती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट पास्ड ऑन द ल्यूमिन ऑफ द बोमेंस कैप्सूल ड्यूरिंग द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ए फैट मॉलिक्यूल्स, बी ग्लूकोज, सी वाटर या फिर डी प्रोटीन्स. कौन सा जो है प्लाज्मा का कॉन्स्टिट्यूएंट आगे ल्यूमिन में पास ऑन नहीं होता जब हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन चल रहा होता है, कौन सा नहीं होता. प्लाज्मा के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट तो पास ऑन हो जाते हैं, पर कौन सा एक ऐसा कॉम्पोनेंट था जो कि रिटेन हो जाता है, जो आगे ल्यूमिन के अंदर पास ऑन नहीं होता. क्या वो फैट था, ग्लूकोज था, वाटर था या फिर प्रोटीन्स था. क्या था उसका आंसर, ऑप्शन डी प्रोटीन्स. प्रोटीन्स जो है आगे ल्यूमन ऑफ द ग्लोमेरुलर कैप्सूल के अंदर पास ऑन नहीं होते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ नेफ्रॉन्स दे आर प्रोमिनेंटली प्रेजेंट इन द डेजर्ट मैमल्स, कॉर्टिकल, नो नेफ्रॉन्स, मेडुलरी या फिर जक्स्टा मेडुलरी. कौन से इनमें से जो नेफ्रॉन्स है वो डेजर्ट एनिमल्स के अंदर मिलते हैं, ए बी सी डी, कॉर्टिकल, नो नेफ्रॉन्स, मेडुलरी या फिर जक्स्टा मेडुलरी. है ना, कौन से नेफ्रॉन्स होते हैं, कॉर्टिकल या फिर जक्स्टा मेडुलरी. ये तो ऑप्शन बी और सी तो हो ही नहीं सकता क्योंकि एक्सक्रीशन तो उसने करना ही है, तो नेफ्रॉन्स जो है फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है तो नेफ्रॉन्स तो मौजूद होंगे ही होंगे. तो इनमें से बाकी कौन सा करेक्ट होगा, आंसर कौन सा करेक्ट होगा, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स, क्योंकि उनके अंदर जो है एक्सक्रीट आउट होता है कंसंट्रेटेड यूरिन. तो कंसंट्रेटेड यूरिन के लिए हमें जो है कलेक्टिंग डक्ट बड़ा चाहिए होता है, है ना, कलेक्टिंग डक्ट बड़ा चाहिए होता है. सो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीएफआर, ग्लोमेरुलस फिल्टरिंग यूनिट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, सी ग्लोबुलिन फास्ट रेट या फिर डी ग्लोबुलिन ग्लोबुलिन फिल्टरिंग रेट. क्या होता है जीएफआर का फुल फॉर्म, जीएफआर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट. क्या होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट विच द अमाउंट ऑफ ब्लड फिल्टर्ड बाय द किडनीज पर मिनट इज नोन एज द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट. तो ऑप्शन बी करेक्ट है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ऑप्शन बी करेक्ट है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जीएफआर. इससे याद रहेगा, अमाउंट ऑफ ब्लड फिल्टर्ड बाय द किडनीज पर मिनट. ओके, इन अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी मिनट्स द होल ब्लड ऑफ द बॉडी इज फिल्टर्ड थ्रू द किडनीज, ए 10 मिनट्स, बी 7 मिनट्स, सी 4 to 5 मिनट्स या फिर डी 2 मिनट्स. कितने मिनट्स के अंदर जो बॉडी के अंदर जितना भी ब्लड है इट इज फिल्टर्ड आउट बाय द किडनीज, कितने मिनट के अंदर होता है, होता ये मिनट्स के अंदर ही है, होता ही है मिनट्स के अंदर ही. और मैक्सिमम आप देख सकते हो सिर्फ 10 मिनट्स लगते हैं, मैक्सिमम जो है हमारे 10 मिनट्स लगते हैं क्योंकि ब्लड जो है कंटिन्यूअसली बन रहा है, तो कंटिन्यूअसली पूरे ब्लड को फिल्टर आउट होना है, फिर पूरे दिन में एक्सक्रीशन का प्रोसेस भी तो करना है ना. तो कितनी देर में जो है फिल्टर आउट होता है, बाकी बाद का एक्सक्रीशन तो होता ही रहेगा, कितनी देर में जो है हमारा फिल्टर आउट होता है,
ऑप्शन सी 4 to 5 minutes. 4 to 5 minutes के अंदर पूरी बॉडी का ब्लड हमारा फिल्टर आउट हो जाता है. सो बच्चों ये था हमारा यूरिन फॉर्मेशन के बारे में और ट्यूब्यूल्स के क्या क्या फंक्शन होते हैं उसके बारे में. नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग काउंटर करंट मैकेनिज्म देखेंगे. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है अड्डा 24/7 स्कूल के चैनल को. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय.